छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत। परिजन ने अस्पताल के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। कुछ दिन पूर्व ग्राम रामाकोने की एक महिला कीर्तिमाला सुभाष तिवारी, जिसको बुखार के कारण सोसर के अस्पताल में दिखाया गया, उनके द्वारा 27 मार्च 2021 को रात्रि के समय जिला अस्पताल रेफर किया गया। बता दें कि बगैर टेस्ट के कोविड वार्ड में किया गया भर्ती। परिवार ने मीडिया से कई आप भी दी और मुख्यमंत्री शिकायत कक्ष में की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। दोषियों को एवं अस्पताल के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, परिजन ने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ को पत्र के माध्यम से दी जानकारी। जिला अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर हो सख्त कार्रवाई, अस्पताल प्रशासन के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, परिजन ने की मांग। जिला अस्पताल में जो आपके साथ घटना घटित हुई उसके बारे में कुछ हमें बताइए। मेरे पत्नी को ऑक्सीजन की कमी थी, उसको ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने जबरदस्ती कोविड सेंटर में ले जाके भर्ती कर दिया। फर्स्ट दिन 27 तारीख के नाइट को 1:30 बजे के लगभग उन्हें ले जाके कोविड सेंटर में रख दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। वहाँ कोई देख रेख नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, बस ले जाके ऑक्सीजन लगा के रख दिया। सुबह हमको आधी रात को बोलते 3 बजे की इंजेक्शन ला के दो, हमने दुकान जाके 4700 रुपये का इंजेक्शन ला के दिया। हमारे पत्नी का ना कोई टेस्ट हुआ है, ना हमारे पत्नी की कोई कोविड रिपोर्ट है, ना हमारे पत्नी को ना बीपी शुगर किसी बात का प्रॉब्लम नहीं था आज तक के। जबरदस्ती कोविड में भर्ती किया गया, जनरल वार्ड में रख के उसे वार्ड इसमें आईसीयू में ले जाके रख दिए, वहाँ वेंटिलेटर लगा दिए उसको जबरदस्ती, और वहाँ पानी मंग रही है मरीज। हम वहाँ के नर्सों को रिश्वत दे के, वहाँ के वार्ड बॉय को रिश्वत दे के हम उनसे बोल रहे, प्रार्थना कर रहे, और हमको है कि नहीं जबरदस्ती जाने देते थे वहाँ तक। हम खिड़की से देखते थे हमारे पेशेंट को, तो पानी के लिए इशारा करती थी, लेकिन वो नर्स लोग सोती थी, मोबाइल लेके व्हाट्सएप चलाती थी। ये लापरवाही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। जबरदस्ती मेरे पत्नी को मार डाला, गलत इंजेक्शन लगवा के कोविड का। मेरे को प्रूफ क्यों नहीं दिए? फिर मेरे बच्चे लोग प्रूफ मांग रहे हैं कोविड का, दो तो बोलते नहीं, 3 दिन के बाद रिपोर्ट। पिता सुभाष तिवारी, मेरी मम्मी की हत्या की गई है जिला हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी को नॉर्मल सांस लेने में प्रॉब्लम थी, सौसर हॉस्पिटल में उसको ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका लेवल SOP बराबर आ चुका था, फिर भी वहाँ के डॉक्टर बोले बेटा आधी रात में अगर प्रॉब्लम हो जाती तो कहाँ दौड़ेगा, तो उन्हें रिफ़र किए सीधा जिला हॉस्पिटल में। जिला हॉस्पिटल में जैसे जाने के बाद वहाँ कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, मेरी मम्मी चलती हुए गई वहाँ पर, हंसते हुए चलती हुए। अगर कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम रहती तो कभी वो चलती हुई नहीं जाती। मेरी मम्मी वहाँ जाने के बाद वो सीधा उनको कोविड वाले वार्ड में बुक करा दिए, वहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए, और मेरे को 10 मिनट में 15 मिनट में कोविड का इंजेक्शन लेने लगे। मैं इधर उधर 4700 रुपये का इंजेक्शन खरीद के लाया उसके लिए। फिर लगाने के बाद उसको SOP उसकी कम हो गई, और बिना पूछे हैं हमारे सीधा उसको ICU में भर्ती कर दिए। जब फिर बोलती कि फिर इंजेक्शन लेके आओ, जब मैंने बोला जब इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी SOP उसका पल्स कम हो रहा है तो इंजेक्शन क्यों लगा रहे, तो हम मेरे को बोलते हैं कि हम अपना इलाज कर रहे हैं, हमको प्रोटोकॉल है, ऊपर अधिकारियों का बोले। और वहाँ पर फिर मेरी मम्मी की जैसे दवाई का असर कम हुआ तो मेरी मम्मी की SOP बराबर आ गई थी, 100 पल्स चल रही थी उसकी नॉर्मल में। तो वहाँ ऑक्सीजन लगा था, उसका गला सूख रहा था, पानी के लिए मैं वार्ड बॉय को पैसे दे के वहाँ पर रात भर से उसकी पल्स चेक करने जाते थे हम लोग, मैं, मेरी बहन, मेरे बड़े पापा का लड़का, मेरे पापा। वहाँ पर पल्स चेक करने गए तो मेरी मम्मी उठ के पानी का इशारा कर रही, मगर वहाँ के जो नर्से है पूरी लापरवाही से आईसीयू वार्ड में लापरवाही से वहाँ पर मोबाइल चलाते हुए सो रही थी वहाँ पर। परिवार किस पे भरोसा करता है ICU में, जब आप देखने देते ना कुछ करने देते, वो नर्सों के कारण और डॉक्टर के कारण। सतीश तिवारी जिसको कुछ आता भी नहीं है, काय का डॉक्टर है, ऐसे डॉक्टरों को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए छोड़ के रखी है गवर्नमेंट ने। आज मेरी मम्मी इन लापरवाही से गई है। मैं बस ये चाहता हूँ जो मेरी मम्मी के साथ हुआ किसी गरीब के साथ ना हो करके, इसलिए मुझे इस चीज के लिए एक्शन। आपका नाम? मेरा नाम आशीष
पिता सुभाष तिवारी है, मैं वार्ड नंबर 3 रामा कॉलेज। मेरे कमलनाथ जी से